हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो। एंड रक्षाबंधन का टाइम होता है, कितने सारे काम होते हैं, हम लोग जब तैयार होने लगते हैं तो सोचते हैं कुछ इजी सा और स्टाइलिश एंड खूबसूरत सा मिल जाए, जो हम फटाफट मेकअप करके और अपना हेयर स्टाइल बना लें और रेडी हो जाए। तो आज कुछ ऐसा ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो आप इस टाइम पर आप कैसा मेकअप करोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड आपके फेस पे केकी नहीं होगा एंड लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा, शाइनिंग करेगा और फ्रेश फील करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करना है। उसके लिए आप टोनर एंड मॉइस्चराइजिंग यूज़ करोगे, जैसे कि सीरम के बारे में पहले बहुत बताया हुआ है। तो अभी मैंने अपने फेस को क्लीन कर रखा है, बट मेरा टोनर नहीं है तो मैं गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। आप भी गुलाब जल यूज़ कर सकते हो। आपके पास इस टाइप का स्प्रे वाला गुलाब जल नहीं है तो आप कॉटन बॉल पे लेके उसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करोगे। जो भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए रोकोगे, जैसे कि आपकी स्किन में अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद ही आपको सेकेंड स्टेप करना है। तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। देन मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यहाँ पे जॉय का ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो हो, आपके फेस पे जो सूट करता हो आप वो यूज़ कीजिएगा। गर्मियों का टाइम है तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं मॉइस्चराइजर स्किप कर देती हूँ क्योंकि पसीने और ऑयल की वजह से। तो वैसे ही ऑयली वर्क है, बट आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है। कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर दोगे, लगाना ही है आपको मेकअप कर रहे हो तो मॉइस्चराइजर। गर्दन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हम लोग अक्सर मेकअप करते टाइम गर्दन को छोड़ देते हैं तो फेस और गर्दन का कलर जो होता है वो अलग अलग दिखता है। तो जो भी आपका एक्सपोज एरिया है हर जगह पे कलर सेम दिखना चाहिए। अक्सर लोगों का क्या होता है, फेस थोड़ा सा डार्क हो जाता है तो वो लोग नहीं भी लगाते तो चल जाता है, क्योंकि उनके बाकी बॉडी फेस के अकॉर्डिंग फेयर होता है। बट आपका फेयर एंड बॉडी सेम कलर का है, आप फेस को बहुत ज़्यादा गोरा कर लोगे तो वो देखने में बहुत गंदा लगेगा। इसलिए आप जितना प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो अपनी बॉडी पे भी अप्लाई करो ताकि सेम दिखे। तो मेरा मॉइस्चराइजर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया फेस में एंड अभी प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ। ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। लैक्मे का एंड हुडा ब्यूटी का प्राइमर दोनों ही बहुत अच्छा है एंड स्विस ब्यूटी का भी। कम बजट में अगर आप अच्छा प्रोडक्ट चाहते हो तो स्विस ब्यूटी का ले सकते हो। प्राइमर को भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये मेन पार्ट है, आपके मेकअप को काला होने से बचाता है एंड जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उसमें आपका फाउंडेशन चला जाता है, फिर आपका मेकअप ब्लैक पड़ने लग जाता है। उसके लिए आपको प्राइमर अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे। अक्सर लोगों को नोज एरिया के पास फोरहेड के पास एंड यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे। प्राइमर को थोड़ी देर का टाइम देना चाहिए सेट होने के लिए, फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए। ये तो हमारा नेचुरल हो गया स्किन केयर रूटीन। इसके बाद आपको मेकअप क्या करना है, गर्मियों का टाइम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करना है। एंड कई लोग क्या करते हैं, उनका जो डार्क सर्कल का एरिया है उसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन एंड क्रीम वगैरह यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद से हमारा आईज का एरिया जो होता है वो ग्रे दिखने लग जाता है, जो कि बहुत भद्दा लगता है। ये एलेगंस का प्रो कलर करेक्टर है, काफ़ी अच्छा कवरेज देता है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। इसमें इस तरीके का ब्रश दिया होता है, इसकी एक चीज़ बेकार है, साइड से इसकी क्रीमी निकलती रहती है तो मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर पाती हूँ, डायरेक्ट यहीं से लेती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। देन जहाँ जहाँ आपको डार्कनेस है वहाँ पे अप्लाई करना है। मैं सेल्फ मेकअप करती हूँ तो अपनी फिंगर टिप्स का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। एंड कई लोग कहते हैं कि मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया था बट मेरा अच्छे से हाइड नहीं हो पाया डार्क सर्कल, और कई लोग कहते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा ऑरेंज सा दिखने लग गया। तो डियर, आप जब भी कलर करेक्टर अप्लाई करते हो तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड मत करो। जैसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने से क्या होता है कि हमारा कलर करेक्टर हट जाता है, फिर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो वो सेम प्रोसेस होगा बिना कलर करेक्टर वाला। और कई लोग क्या करते हैं कि कलर करेक्टर लगा के, जैसे मैंने अभी छोड़ा है, इतने पे ही डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा कलर करेक्टर दिखने लग जाता है और वो रेडनेस का रूप ले लेता है। तो आपको थोड़ा अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं छोड़ना है। तो इतना मैंने अप्लाई कर लिया जिससे कि मेरा अच्छे से अभी हाइड हो चुका है डार्कनेस। बाकी फेस मेरा ठीक है, इवन है, बट आइज के आसपास में है तो मैंने बस आइज पे ही लगाया। आपको अलग, जैसे माउथ के अराउंड कई लोगों का ब्लैक होता है, कोई डार्क स्पॉट्स है, तो सब जगह अप्लाई करना है, बट मुझे बस इतनी ही एरिया में प्रॉब्लम है तो मैंने इतने पे अप्लाई किया। इसके बाद मैं एलेगेंस का ही कलर करेक्टर का जो सेम प्रोसेस वाला कंसीलर आता है
वो मैंने लिया है यहाँ पे अपने फेस से मैच होता हुआ। ये एलिगेंस वाला फ्लो कंसीलर लेते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से मत दबाए करो, यहाँ से दबाने से इसका यहाँ का हिस्सा खुल जाता है जो कि बाद में आपके पूरे कंसीलर को बेकार कर देता है। नीचे से दबाओ तो ये आराम से आपका क्रीम यहाँ पे निकलने लग गया है। अब आपको जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे ही अप्लाई कर रही हूँ, मैं शीशे में इसलिए देख रही हूँ ताकि कैमरे में पता नहीं चलता अच्छे से। अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अगर आपको फिंगर से ब्लेंड करने में दिक्कत हो रही है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। अभी मेरा अच्छे से हाइड हो चुका है डार्क सर्कल और पूरा फेस इवन दिख रहा है। इसके बाद आपको थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करना है, दैट्स इट। अगर आपके फेस पे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो बस अपने डार्कनेस को हाइड करो एंड फाउंडेशन अप्लाई करो। फाउंडेशन मेरे पास यहाँ पे दो है, लैक्मे एंड फिटमी का। तो मैं यहाँ पे लैक्मे फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये लैक्मे का भी अच्छा है बट मेरे शेड से थोड़ा सा डार्क है, इस वजह से मैं फिटमी का यूज़ कर रही हूँ। ये शेड नंबर 115 है। अगर आपका बहुत ज़्यादा फेयर कलर है तो ही आप ये यूज कीजिएगा, अदरवाइज अपने फेस के अकॉर्डिंग शेड देख के ही यूज कीजिएगा। मीडियम टोन के लिए 125 ठीक रहेगा। इतना सा मैंने फाउंडेशन लिया, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, गर्मियों का टाइम है तो आपके मेकअप को ख़राब कर देगा एंड लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। बिल्कुल तो थोड़ा सा लेना है, देन हल्का हल्का टैप टैप मौसम में पूरे फेस पे अप्लाई कर दो। फिटमी का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है और फुल कवरेज भी देता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात लगती है कि बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। तो इतना मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है और पूरा फेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बस मेकअप के लिए आपको इतना ही करना है, इसके बाद से अपना कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर जो भी यूज़ करना है वो यूज़ करके अपने मेकअप को सेट कर दो। देन हाईलाइटर, ब्लशर जो यूज़ करना है, आई मेकअप जैसे करना है सिंपल मेकअप कीजिएगा। गर्मियों का टाइम है तो बार बार बोलिए, गर्मियों के टाइम में बहुत हैवी मेकअप नहीं करना है आपको। सेट करने के लिए मैं यहाँ पे VLCC HD डबल पाउडर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये आपके फेस को थोड़ा सा और ज़्यादा कवरेज देता है। मेकअप को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपका निकलने लग जाएगा। तो ये मैंने मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया, देन ब्लशर यूज कर रही हूँ। ब्लशर स्किप नहीं करना है, इससे आपका मेकअप जो होता है वो नेचुरल दिखता है। जस्ट इसके ऊपर आपको हाइलाइटर यूज करना है। आपको अपना आई मेकअप कंप्लीट करना है। आई मेकअप के लिए मैं पहले यहाँ पे अपना आईब्रो फिल करूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
इसके बाद आई मेकअप के लिए बहुत इजी स्टेप बता रही हूँ, आप भी इस तरीके से फॉलो कर लीजिएगा और बहुत जल्दी से आप अपना आई मेकअप कंप्लीट कर पाओगे। तो ये मेरा आई शेडो पैलेट है, तो जिस कलर का आपने ड्रेस पहना है उससे थोड़ा सा लाइट शेड लेके पहले अपने क्रीज एरिया पे आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अभी रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं लाइट पिंक कलर इस तरीके से पिक करूँगी। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे क्योंकि हमने मेकअप ऑलरेडी कर रखा है, अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो फेस पे गिर के आपके मेकअप को ख़राब कर सकता है। इस तरीके से लाइट कलर पिक करने हैं, क्रीज एरिया पे अप्लाई करने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से आप अपना मेकअप बना सकते हो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, देन आपको अभी लेना है डार्क रेड कलर जो कि आपने ड्रेस पहना हुआ है, अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है। आप चाहो तो यहाँ पे कट क्रीज बना सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी कलर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का कलर पिक किया है एंड इस तरीके से आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे लाइट पिंक कलर मैं पिक करूँगी और सेंटर पार्ट पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी। अब आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का कलर पिक करने हैं और इनर कॉर्नर से इस तरीके से अप्लाई कर देना है। जो कलर आप इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रहे हो वो थोड़ा सा लो वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर दीजिएगा। और जो हमने डार्क कलर रेड कलर का लिया था वो लो वाटर लाइन पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये रहा, देन मैं इसमें से पिंक कलर का ग्लिटर पिक करूंगी। ग्लिटर लगाने के लिए आपको इस टाइप का ब्रश चाहिए होता है, ये बहुत इजीली लग जाता है। मैंने पिंक कलर का ग्लिटर यहाँ पे पिक किया है। मैं इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी, कम ज़्यादा आपकी चॉइस है, आपको कितना अप्लाई करना है। अभी आपको बस लाइनर लगाना है, काजल लगाना है और डालना है आपका आई मेकअप। मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ, आपको अगर अपनी आईज को बड़ा दिखाना है आप वाइट काजल अप्लाई कीजिएगा, बट मैं यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल है। अब आपका काजल फैले ना इसके लिए आप क्या करोगे, आपको लेना है लाइनर और लो वाटर लाइन पे काजल के जस्ट नीचे नीचे अप्लाई कर देना है। कितना चौड़ा पतला लगाना है वो आपकी चॉइस है, मैंने थोड़ा सा चौड़ा किया है कि दुल्हे चौड़े काजल पसंद है। अब लाइनर अप्लाई कर लेंगे, तो
आजकल बहुत ज़्यादा चौड़ा लाइनर ट्रेंड भी नहीं है, तो हल्का सा ही लाइनर मैं पे अप्लाई कर लूँ। आपको जितना चौड़ा पतला चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर दीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो डायरेक्ट रगड़ना नहीं है आपको, सिर्फ टॉवल लेना है प्लेन पैड पर, आपका बिल्कुल भी मेकअप नहीं निकलेगा। इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। मेरा विंग्स दोनों छोटा बड़ा हो गया है तो इधर का भी थोड़ा सा बड़ा करूँगी मैं। अब अपनी फेवरेट लिपस्टिक लीजिए और लिपस्टिक अप्लाई कर लेना है। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो गया है। अभी आप इसको फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो, मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे फिक्सर अप्लाई नहीं किया फेस पे, तो इस केस में आपको सेटिंग स्प्रे लेना होता है एंड फेस पे पूरा मेकअप को अच्छे से सेट कर देना होता है। पाँच मिनट का टाइम देंगे ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए, देन इसके बाद आपको अपना हेयर स्टाइल बनाना है। तो हेयर स्टाइल अभी मेकअप की वजह से हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फटाफट कोई इजी सा क्विक हेयर स्टाइल देखेंगे कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। इसके साथ आप अपने इयर रिंग्स टीका वगैरह जो भी यूज करना है मांगती का वो आप अप्लाई यूज कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर पार्टीशन से कर रही हूँ ये वाला हेयर स्टाइल, अगर आप अनमैरिड हो तो आप साइड पार्टीशन से भी कर सकते हो। सेंटर पार्टीशन से ये हेयर स्टाइल करके बीच में पूरा सिंदूर भर के लगाओगे बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेना है, टू पार्ट में डिवाइड करना है, फ्रंट पार्ट को अच्छे से ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके जो सेकंड पार्ट था उसको इस तरफ लेके आएंगे, थोड़ा सा हेयर इसके साथ ऐड करेंगे, देन दोबारा ट्विस्ट करेंगे, लॉस करेंगे फिर नीचे वाले पार्ट्स में ये ऐड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। जो पार्ट आप नीचे लेके आओगे उसमें हेयर ऐड करके ट्विस्टिंग करनी ही करनी है। यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ पे आप ट्विस्टिंग मतलब सेट कर दीजिएगा और ऊपर से हेयर को इस तरीके से उठा दीजिए। जैसे रक्षाबंधन के लिए हेयर स्टाइल मैंने बहुत सारी डाली हुई है देख लीजिएगा, एंड कल संडे है तो कल भी बहुत सारी हेयर स्टाइल जाएंगी। फिर से अगेन टू पार्ट में डिवाइड करेंगे,
फ्रंट पार्ट को जो यहाँ पे है उसको ट्विस्ट करेंगे, देन जो सेकंड पार्ट है उसको नीचे की तरफ से लेके आएंगे एंड इसमें हेयर को ऐड करेंगे, फिर से ट्विस्ट करेंगे। अभी जो नीचे से पार्ट आ रहा है उसी में हेयर को ऐड करना है, उसी को ट्विस्ट करना है। बैक में लेके जाना है, हेयर को हटाना है यहाँ से और यहाँ पे क्लिप की मदद से इसका सिक्योर कर लेना है और ऊपर से हेयर को डाल देना है। अब आपको अपना जो भी आपने इयररिंग्स वगैरह रखा है उसको पहन लीजिए और आपका रक्षाबंधन स्पेशल लुक कंप्लीट है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाली इयररिंग्स डाल रही हूँ, अपने जो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इयर रिंग्स ली होगी वो डालिएगा, चाहे जो भी लिया होगा आपको। इसके साथ आप गले में जो पहनना है वो आप पहन सकते हो और ये है फाइनल लुक। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो अगर अच्छा बंधन में गर्मियों में आप इस तरीके से मेकअप करना चाहते हो। कैसा लगा आपको आज का लुक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हेयर स्टाइल अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो बहुत सारी हेयर स्टाइल की वीडियो है तो वो जाके ट्राई कर लीजिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम में ओपन रखना है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो आप जूड़ा वगैरह का हेयर स्टाइल देख सकते हो। और जब भी आप टीका वगैरह अप्लाई करते हो तो यहाँ पे पिनअप जरूर कर लीजिएगा, मुझे बस वीडियो शूट करने के लिए ही लगाना है तो मैं यहाँ पे पिनअप नहीं कर रही हूँ। पिनअप करके अच्छे से लगाइएगा जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग, सिंपल सा लुक रहेगा एंड काफ़ी अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, सेकंड चैनल पे भी जाइए, ब्लाउज की अमेजिंग डिजाइनिंग की हुई है यहाँ वहाँ पे रक्षाबंधन के लिए एंड मैं यहाँ पे मस्करा लगाना भूल गई थी तो मस्करा अप्लाई कर लेंगे। लैक्मे का मस्करा ठीक रहता है, बेस्ट रहता है, लैक्मे 95 के सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मतलब फैलते नहीं हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो जब भी आप मस्करा अप्लाई करते हो और आपने मेकअप कर लिया है तो इस तरीके से सारा प्रोडक्ट निकाल दो मस्करा का एंड उसके बाद अप्लाई करो, तो आपके फेस पे नहीं गिरेगा और आपका मेकअप खराब नहीं होगा। आई लाइनर अप्लाई कर सकते हो और भी अच्छा और खूबसूरत लुक दिखाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।